तो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे गाइस, साथ में आप लोग बहुत ही इन्जॉय होंगे। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको आपके YouTube वीडियोस को वायरल करने की एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं। अगर आपके YouTube वीडियो पर 7-8 व्यूज, 10-50 व्यूज कुछ ऐसा आता है, तो गाइस मैं आपकी गारंटी लेता हूँ कि आपकी वीडियोज़ पर बन के 700-800 कुछ ऐसा व्यूज आना चालू हो जाएगा। गाइस, मैं आपको एक बड़े यूट्यूबर की तरह झूठ बोलना तो नहीं कह सकता, क्योंकि गाइस जो नियम से जो होता है गाइस, मैं आपको वही चीज़ आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। गाइस, मैं ऐसे ही हवा में बात नहीं कर रहा हूँ कि आपके वीडियो पर लाखों में या हज़ारों में या 10-25 हज़ार ऐसा कुछ व्यूज आना चालू हो जाए। गाइस, ये तो मैं नहीं कह सकता। गाइस, जैसा कि उस ट्रिक से होता है काम, मैं वही प्रोसेस आपको बताऊंगा, और जिस ट्रिक उस ट्रिक को अप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट वो देती है, मैं वही रिजल्ट आपको बताऊंगा, जो सच्चाई है। गाइस, मैं आपको सच्चाई ही बता करके आपको वीडियो में आगे बढ़ने के लिए बोलूँगा। क्योंकि गाइस, वीडियो में जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने बताई है, उसे मैंने खुद अपने चैनल पर अप्लाई किया, साथ में आज भी मैं अपने चैनल पर अप्लाई करता हूँ उस ट्रिक को, और उसी ट्रिक की वजह से आज मेरे वीडियोज़ पर बढ़िया से व्यूज आना चालू हो गया है। तो चलिए उस ट्रिक को मैं एकदम से बारीकी से आपको समझाता हूँ कि आपको अपने चैनल पे किस तरह से अप्लाई करना है, देन आपको आगे चल के उसको किस तरह से यूज़ करना है, ताकि आपके वीडियोस पे बन के से 700-800-900 इसको इस तरह से कुछ व्यू जाना चालू हो जाए। तो चलिए ले चलता हूँ मैं आपको अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर, एकदम से बारीकी से समझाता हूँ कि उस ट्रिक को अप्लाई कैसे करना है। तो गाइस, हम आ चुके हैं अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर। गाइस, यहाँ पर आपको करना क्या है, सबसे पहले अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। गाइस, क्रोम ब्राउजर को ओपन करने के बाद गाइस, आपको अपने यहाँ पर न्यू टेक्स्ट वाले इस पे आइकन पे क्लिक करेंगे, तो गाइस आपको यहाँ से अपने यूट्यूब वाले आइकन को यहाँ पर सेलेक्ट करना है। और गाइस, सेलेक्ट करने के बाद गाइस, आपको करना क्या, अपने यूट्यूब चैनल के जो प्रोफाइल वाला आइकन होता है छोटा सा, उस पर आपको क्लिक करना है। तो गाइस, जैसा कि हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया, अभी गाइस आपको करना क्या, ऊपर जो 3 डॉट दिख रहा है उस पर क्लिक करना है। गाइस, यहाँ से आपको अपने इस वाले जो आइकन है ना, ये डेस्कटॉप साइड, तो इसको जो है चेक मार्क करके रखना है। गाइस, इसको चेक मार्क करके रखना है आपको। उसके बाद गाइस, आपको करना क्या है, तो यहाँ पर आपको गाइस एक ऑप्शन मिलता है व्यू योर चैनल, तो गाइस आपको व्यू योर चैनल पर आपको क्लिक करना है। और गाइस, क्लिक करने के बाद गाइस आपको करना क्या है, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है, तो गाइस यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है आपको, एक सेकंड ये वाला मैं इसको ट्रांसलेट कर लूँ थोड़ा। तो गाइस, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलता है कस्टमाइज योर चैनल, तो गाइस आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप कस्टमाइज योर चैनल पे क्लिक करेंगे गाइस, आपका जो चैनल है वो एक डेस्कटॉप साइट पे, यहाँ पर आपका जो डैशबोर्ड होता है वहाँ पर के आपको ले करके आ जाएगा। गाइस, जैसा कि यहाँ पर अभी इंटरफेस ओपन हो रहा है, तो गाइस आप चेक करेंगे कि यहाँ पर जो मेरा ये पेज है ये ओपन होके आ चुका है। गाइस, अभी आप यहाँ पर देख सकते हो कि मेरा ये डेस्कटॉप साइड मेरा ओपन हो चुका है। अभी नेची में आप देखेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलता है सेटिंग्स वाला, तो आपको करना क्या, सेटिंग वाले आइकन पे क्लिक करना है। अभी गाइस, यहाँ पर आपको करना क्या है, तो गाइस यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है चैनल वाला, तो गाइस सेकंड वाले ऑप्शन जो चैनल वाला है इस पर हम क्लिक करेंगे। गाइस, यहाँ पर आपको ध्यान से देखेंगे तो गाइस, ये यहाँ पर मैं काफ़ी सारे कीवर्ड जो यहाँ पर ऐड करके रखा हूँ। तो गाइस, ये कीवर्ड जो क्या है, ये कीवर्ड गाइस जिस टॉपिक्स पे आप वीडियोस बनाते हैं उस टॉपिक के रिलेटेड, देन उस टॉपिक के रिलेटेड जितने भी चैनल्स हैं उनके नाम यहाँ पर दे दिया है मैंने, और मैं जिस टॉपिक पे वीडियो ज़्यादा बनाता हूँ उस टॉपिक के रिलेटेड यहाँ पर मैंने कुछ कीवर्ड यहाँ पर ऐड करके रखे हैं, जिससे कि मेरे वीडियोस पे कभी भी कोई भी वीडियो यहाँ पर सर्च करता है, जैसे किसी ने सर्च किया हाउ टू गेट 1000 सब्सक्राइबर, तो गाइस यहाँ पर मेरे चैनल के ये डेस्कटॉप साइट के अंदर मैंने कुछ कीवर्ड ऐड करके रखे हैं, तो मेरे चैनल के कीवर्ड में यहाँ पर देखा है हाउ टू गेट 1000 सब्सक्राइबर इन 5 मिनट। तो गाइस, अगर यूट्यूब पर कोई भी ये सर्च करेगा कि हाउ टू गेट 1000 सब्सक्राइबर इन 5 मिनट, तो गाइस ये मेरा चैनल जो है वहाँ पर शो करेगा, मेरे वीडियोस भी वहाँ पर शो करेंगे, साथ में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रूल करती है हमारे वीडियोस को वायरल करने के लिए। और गाइस, साथ में ये आपको करना क्या, यहाँ पर आप साइड में थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर थर्ड नंबर एक सेटिंग्स है, तो ये जो 3 सेटिंग्स है इनको आपको बिल्कुल ऑन करके रखना है। गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गाइस, यहाँ पर आप चेक करेंगे तो गाइस, ये इनको आपको जो है अपने चैनल्स के अंदर ऑन कर लेना है। अगर आपके ये चैनल्स के अंदर ये सेटिंग्स बंद है तो आप इनको ऑन करें। गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हैं आपके वीडियोस को वायरल करने के लिए, साथ में आप अपने चैनल के अकॉर्डिंग इस तरह से कुछ कीवर्ड यहाँ पर ऐड कर लें, क्योंकि यही है वो ट्रिक जिसकी वजह से आपके चैनल पर व्यूज आना चालू हो जाएगा। 1 हफ्ते तक आप इस चीज़ को अप्लाई करके देख लें, आपके वीडियोज़ पर फ़र्क पड़ जाएगा,
और आपका वीडियोस भी वायरल होना चालू हो जाएगा गाइस। थोड़ा थोड़ा आपको इम्प्रेशन देखने को मिलेगा अपने चैनल्स के अंदर आप विजिट करेंगे तो। मैं ये तो नहीं कह सकता कि एकदम से आपकी वीडियो वायरल हो जाएगा, वो इत्तेफाक की बात है। अगर आपका एकदम से वीडियो वायरल हो जाता है तो वो एक अलग बात है। लेकिन गाइस अगर आप इस ट्रिक को एकदम अप्लाई करते हो तरीके से अपने चैनल पे अंदर कीवर्ड ऐड करते हो तो ज़रूर 100% मैं आपको कह सकता हूँ इस बात को कि जब मुझे इस एक सारे चीज़ें अप्लाई करने के बाद मुझे रिजल्ट बढ़िया से देखने को मिला, तो आपको भी रिजल्ट बढ़िया से ही देखने को मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड।